वन प्लस जो है अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है वन प्लस नॉर्ड सीई 4 5G। जी हाँ दोस्तों, ये अभी नया स्मार्टफोन है और ये करीब 1 अप्रैल के आसपास की डेट निकल के ये लॉन्च होने वाला है। और इसमें काफी ज्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन दिए गए प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसका जो प्राइस है करीब आपको 22-23 या फिर 25,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है, जो कैमरा दिया गया है, काफी ज्यादा तगड़ा दिया गया है। इसका जो डिजाइन भी है काफी बढ़िया है और डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। इसके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ आपको और बताता हूँ ये क्या अच्छा होने वाला है अगर इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है ये स्मार्टफोन या नहीं। और मतलब ये कुछ बताऊंगा इस स्मार्टफोन के बारे में, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं यहाँ पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है क्योंकि डिस्प्ले में एक पंच होल छोटा सा रहेगा जो कि सेंटर पे बीच में, और इसके वजह से डिस्प्ले जो काफी बढ़िया देखने को मिलता है। और गोरिल्ला ग्लास की यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी गई है। डिस्प्ले यहाँ पे काफी बढ़िया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि अगर ये 25,000-24,000 के बीच आता है तो डिस्प्ले यहाँ पे काफी अच्छा है। डिस्प्ले में कोई कमी नहीं, एमोलेड है वो भी फुल HD प्लस है और रेजोल्यूशन भी अच्छा है और क्वालिटी बढ़िया विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो डिस्प्ले यहाँ पे अच्छा खासा है। और यहाँ पे जो हमें रैम वेरिएंट देखने को मिलता है वो करीब 256GB की स्टोरेज यहाँ पे दी जाएगी और 8 या फिर 12GB का रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। हालांकि बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में फर्क होता है थोड़ा बहुत ही, रैम का ही फर्क होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन आगे जब लॉन्च हो जाएगा तब पता चल जाएगा। और स्टोरेज जो है यहाँ पे 256GB की कॉमन कर दी जाएगी क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब इसका प्राइस है और ज्यादा नहीं है, मतलब एवरेज प्राइस है। और यहाँ पे एवरेज प्राइस पे यहाँ पे काफी बढ़िया चीजें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 देखने को मिलता है जो कि एक बजट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर है। आप जानते हैं क्वालकॉम के जो सीरीज है ये प्रोसेसर की काफी ज्यादा तगड़ी, और ये 5G प्रोसेसर स्मार्टफोन भी 5G है। यहाँ पे 5G के भी काफी अच्छे बैंड दिए गए ताकि 5G कनेक्टिविटी आपको अच्छे से मिल पाए। प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन तगड़ा है क्योंकि यहाँ पे 7 Gen 3 दिया गया है और यहाँ पे आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद ही इसके आगे की सीरीज जो आती है वो 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3 आती है, लेकिन यहाँ पे आपको 7 Gen 3 मिलता है। प्रोसेसर काफी तगड़ा है, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं और इसका जो हार्डवेयर अच्छा है तो सॉफ्टवेयर भी इसमें अच्छे ही तरीके से रन करने वाले हैं। वहीं हम बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, यहाँ पे बैक साइड में जो कैमरा दिया गया है वो 50MP+8MP का बैक साइड पे कैमरा दिया गया है, और वहीं फ्रंट की बात करें आपको 16MP का एक कैमरा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बैक साइड में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको 1080p से ऊपर की मिलने वाली है, 4K की भी मिलने वाली है, लेकिन अभी तक लीक्स जो है वो 1080p दिखा रहे हैं, लेकिन आपको 4K में रियर साइड में मिलेगी। लेकिन फ्रंट में आपको फुल HD प्लस की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब 1080p विद 30fps आपको मिलना ही है। वही हम बैटरी की बात करते हैं, आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है और टाइप सी चार्जिंग है, और फास्ट चार्जिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ यहाँ पे 30 या फिर 40 या फिर 60 वॉट के आसपास की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, लेकिन आपको 30 अबोव मिलेगी और 60 के आसपास की मिलने वाली है फास्ट चार्जिंग। इससे भी ज्यादा भी मिल सकती है क्योंकि ब्रांड जो है कुछ ना कुछ नया करते हैं, कम बजट में ज्यादा देने के लिए करते हैं इस वजह से। और ये जो स्मार्टफोन है ये 5G स्मार्टफोन है, मतलब 5G की कनेक्टिविटी यहाँ पे काफी तगड़ी देखने को मिलेगी, आपको 5G के इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। ओवरऑल ये थी इस स्मार्टफोन की डिटेल जो कि इसमें स्पेक्स आने वाले हैं, और ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है ये अपने को 1 अप्रैल में देखने को मिलेगा और इसका जो प्राइस है ये करीब 25,000 के आसपास रहने वाला है। अगर ये इस प्राइस पॉइंट पे ये आता है तो ये काफी तगड़ा स्मार्टफोन बन जाता है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिले। वन प्लस ये कर रहा है और इसका जो डिजाइन भी है काफी बढ़िया है, तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए भी। और जो भी बाय करना चाहते हैं जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा, एक दो वीडियो देखना रिव्यू की किस तरीके से वर्क करता है और फिर आप इसे बाय कर सकते हैं। जब लॉन्च होगा तब हम फिर से एक वीडियो लाएंगे क्योंकि पता तो चले स्मार्टफोन में क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी जो है ये थे सिर्फ जो अभी तक वन प्लस ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया ये हमारे स्मार्टफोन में दिया जा रहा है। इसका जो प्राइस है ये करीब 26-25,000 के आसपास आने वाला है। आज वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, जब तक ले जय हिंद जय भारत।